तो मेरा नाम अनिमा सिकारी है, मैं 25 ईयर्स की ओल्ड है. मेरे मम्मी मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी है ना, बहुत हम लोग बहुत गरीब थे और मेरे पापा काम हम कुछ नहीं करते थे, मेरी मम्मी अकेला काम करती थी घर पे. और मैं थोड़ा बड़ी थी, 8 साल की करीब थी. फिर मैंने क्या किया, उधर से मैंने बालीगंज स्टेशन है कलकत्ता से थोड़ा दूर है, उधर से मैंने बिना टिकट के मैंने ट्राम में गई उधर. उतने में मैंने क्या किया, वो प्लेटफॉर्म में जाके ऐसा बैठी है, ऐसा टेंशन में बैठी थी कि अब मुझे भूख भी लगी है, कौन खाना देगा, क्या करेगा, मैं बहुत टेंशन में थी. तो उतने में एक लेडी आया मेरे पास, तो बोलते तुम्हें क्या हुआ, क्या चाहिए. तो मैंने बोली मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा एक काम मिलेगा तो काम दिला दो, मेरे पापा बहुत बीमार है और मेरे पापा इतनी बीमार है कि मुझे उसकी इलाज करने के लिए पैसा नहीं है. तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी मैं उनके साथ बैठी. उसके बाद उन्होंने मेरे को गुजरात में एक बिल्डिंग में लेके आया. उसके बाद वो दीदी ने उनके पास से पैसा लेके ऐसा दरवाजे से निकल रही थी, मेरे को बोली तू इधर बैठ, मैं साड़ी वाड़ी के लेके आती हूँ कपड़े बेचने का. उसके बाद वो चले जाने के बाद मैंने शाम हो गया, मैंने बोली अभी तक आई नहीं है. तो एक बंगाली लड़की बैठी ना, उसने बोला बंगाली में कि तुमको ना बेच के चली गई. वो लोग मार के मुझे कभी कबाट के अंदर रख देते थे, कभी खटिया के नीचे मार के डाल देते थे लात लात से, कि तू जब तक हाँ नहीं बोलेगी तब तक रूम नहीं खुलेगा. उसके बाद मैंने बहुत मजबूरी से, मतलब बहुत तकलीफ हुआ, फिर भी मैंने हाँ बोली, ठीक है मैं रेडी हूँ बोली थी उनको. फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे ये काम करके खाना है. और हम लोग को सिखाया गया था कि अगर पुलिस आया और हमने बोला कि आसांग आयो तो तुम लोग भागने का, ऐसा बताया गया था. तो वो शाम कामरे और हैंसन थमस था, वो बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग मेरे बहन हो, तुम लोग को कुछ नहीं होएगा, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा, ऐसा समझाने लगा. क्योंकि वो लोग 18 साल तक रखता था ना उधर. उधर फिर मैं हम लोग को जो त्यौहार होता था, हम लोग अपने भाई को मिस करते थे, तो उस टाइम गिरेक भैया अब खुद भाई बन के आता था और रक्षाबंधन का गिफ्ट लेके आता था और टाई लेके आता था, बहुत कुछ लेके आता था, खाना का बहुत कुछ. मतलब ऐसा फील होने नहीं देता था कि हमें कुछ फैमिली की कमी है उधर. तो सेंट कैथरिक में भी मैं थोड़ा दिन थी, सेंट कैथरिक एनजीओ है, उधर भी थोड़ा दिन थी. उधर रहते रहते थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं उधर ही थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत सीखी हूँ. अभी मैं उधर रहती हूँ, उधर रिसेप्शन में काम करती हूँ और मैं अकेला अपना रूम लेके, भाड़े पे रूम लेके रहती हूँ. और मैं, मेरे से जितना हो सकेगा, जैसा मेरे लाइफ में हुआ वैसा किसी के साथ ना होए. और मेरे बहन लोग के साथ भी ऐसे तकलीफ़ हो रहा है तो मुझे तकलीफ़ होती है. और वो लोग ऑलवेज हमारे लिए, मैं तो गिरेक भैया और माला दीदी को अपने मम्मी डैडी के रूप में देखती हूँ, भाई दीदी तो ऐसा बोलती हूँ, लेकिन वो लोग एक बहुत उदाहरण है हमारे लिए. वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी वो लोग ऐसा करते रहेंगे, ऊपर वाले की दुआ है उनके साथ.